मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगी वही अमेरिका में। अरे अब तो घर का जाना, मैं आर्मी में अकेला क्या करूँगा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा देखने वाले कई लोग निराश हुए तो कुछ इसके बायकॉट की मुहिम चला रहे हैं। इससे फिल्म को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लाल सिंह चड्ढा जिन सिनेमाघरों में लगी उनमें से कई खाली पड़े हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दर्शकों को आमिर खान की फिल्म पसंद नहीं आई। इससे पहले भी आमिर खान की कई फिल्मों को दर्शकों ने खारिज किया और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इनमें 1988 से कयामत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से डेब्यू के बाद उनकी कई फिल्में हैं जो लगातार फ्लॉप हुई हैं। इस बार का जो बायकॉट है वो अलग लेवल पे है। बात करें अगर उनके फ्लॉप फिल्मों की तो सबसे पहली फिल्म थी लव 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 जो रिलीज हुई थी 1989 में। कयामत से कयामत तक की अपार सफलता के बाद आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर लोगों को भुनाने के लिए आई थी। यह फिल्म एक लव स्टोरी थी लेकिन दर्शकों पर इसका जादू नहीं चला। वही अगली फिल्म थी राख जो रिलीज हुई थी 1989 में। राख एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें आमिर खान सुप्रिया पाठक के अपोजिट नजर आई। फिल्म के डायरेक्टर थे आदित्य भट्टाचार्य। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। नंबर 3 दौलत की जंग 1992। आमिर जूही की एक फिल्म आई दौलत की जंग। ये हॉलीवुड की क्लासिक माने जाने वाली मानिक शो गोल्ड से इंस्पायर थी, लेकिन इस फिल्म को भी दर्शकों ने पसंद नहीं किया और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। नंबर 4 है इसी का नाम जिंदगी 1992। तो इसी का नाम जिंदगी में ब्रिटिश काल के समय में ग्रामीण लोगों का जीवन दिखाया गया। आमिर के साथ फराह और प्राण भी लीड रोल में नजर आए। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। नंबर 5 बाजी रिलीज हुई थी 1995 में। आमिर खान और ममता कुलकर्णी एक साथ आई बाजी में, लेकिन यह फिल्म भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म को उनके दोस्त आशुतोष गौवरकर ने डायरेक्ट किया था। बाद में दोनों ने मिलकर 2001 में फिल्म लगान में इतिहास रचा। नंबर 6 आतंकी आतंक 1995। आमिर खान फिल्म आतंकी आतंक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जो काफी फेमस थी। गॉडफादर से इंस्पायर थी। आमिर के साथ जूही चावला और रजनीकांत जैसे एक्टर्स नजर आए, लेकिन फिर भी ये फिल्म नहीं चली। नंबर 7 अकेले हम अकेले तुम 1995। आमिर खान और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। कयामत से कयामत तक जैसी हिट फिल्म में आमिर को डायरेक्ट करने वाले मंसूर खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, लेकिन बात नहीं बनी। हाँ, गाने जरूर थोड़े बहुत चले थे। नंबर 8 है 1947 दी अर्थ। ये रिलीज हुई थी 1999 में। ऑफ बीट फिल्मों की तरफ आमिर का ये पहला एक्सपेरिमेंट था, मगर इंटरनेशनल लेवल पर फेमस डायरेक्टर दीपा मेहता की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 1947 दी अर्थ में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की कहानी थी। नंबर 9 मेला। ये रिलीज हुई थी 2010 में। आमिर खान ट्विंकल खन्ना की मेला सुपर डुपर फ्लॉप साबित रही। इस फिल्म में आमिर ने पहली बार अपने भाई फैसल खान के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 10 मंगल पांडे दी राइजिंग 2005 में ये फिल्म रिलीज हुई। आमिर के बड़े बजट की मंगल पांडे भी दर्शकों द्वारा नकार दी गई। इस फिल्म में आमिर बिल्कुल अलग गेटअप में नजर आए। लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, मूछे। इस फिल्म में आमिर के साथ रानी मुखर्जी और अमीशा पटेल नजर आईं। वहीं सेकंड लास्ट फिल्म है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो रिलीज हुई 2018 में। ये तो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म रही। हालांकि इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया। बड़े बजट और लेविश तरीके से शूट किए जाने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। ये फिल्म सेकंड लास्ट इसलिए थी क्योंकि खबरें है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद लाल सिंह चड्ढा का भी यही हाल होने वाला है। वेल, आपको क्या कहना है इन फिल्मों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउंड स्टूडियोज।